हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्क्स ऑफ बीइंग कोको। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि गुफी टेल्स के प्रोडक्ट में वीडियो आएगी, तो वीडियो आ चुकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। कोको भी आ चुकी है और ये भी आ चुके हैं प्रोडक्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे कोको, पहला होगा अपना रेडी टू ईट मील्स एंड ब्रेन ब्रॉथ। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा हो कि ये तीन थे और ये चार थे, अब ये सिर्फ एक और दो बच्चे हैं, क्योंकि सावन लग चुका और नॉनवेज अब घर में आ नहीं रहा, तो ये बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी और धीरे धीरे करते करते सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बना ही लेते हैं, नहीं तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं इस रेडी टू ईट मील की। तो ये है चिकन एंड क्यूआनो फ्लेवर। चिकन तो चिकन और क्यूआनो एक टाइप का राइस होता है जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये है 200 ग्राम्स और ये इसकी डाइट शीट है। आप देख सकते हैं कितना ग्राम एक डॉग को फीड करना रहता है। तो ये बेसिकली रेडी टू ईट फूड है जो पूरा बना हुआ है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओपन करके फीड करना है। तो ये मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये हो चुका है पैकेट ओपन, आपको मैं इसके अंदर का दिखा देती हूँ। जो हमारा स्टार है आज का, ये रहा मील। तो ये आप देख रहे होंगे, सेकंड फोकस, हाँ, तो इसमें है चिकन एंड राइस और कुछ वेजिटेबल्स। ये पूरा 100% नेचुरल मेड फूड है, प्रिजर्वेटिव फ्री और बिल्कुल हेल्दी रेडी टू फीड है। इसको आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको ओपन करना और अपने डॉग को फीड कर देना है। बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसकी अगर हम बात करें इंग्रेडिएंट्स की, तो ये देखो इंग्रेडिएंट्स, ये देखो ये रहे इंग्रेडिएंट्स। इसमें है चिकन ब्रेस्ट, चिकन बोन मील, चिकन लिवर, एग्स, ब्राउन राइस, क्यूआनो, ब्लैक बीन्स, चिया सीड्स, कोकोनट ऑयल, बीटरूट, स्पिनच वगैरह वगैरह। तो इसकी स्टोरेज की भी आप देख लीजिए। रेफ्रिजरेटर, आप इसको रेफ्रिजरेट, अगर आप एक पैकेट को जैसे खोल के आधा फीड करते हैं तो फिर आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, पर अगर आपका पैकेट सील पैक है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ऑब्वियसली एक साल तक ये आपका फूड ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप चाहें तो ये बल्क में मंगा के रख सकते हैं और ये आपका एक साल तक का आपके डॉग का पूरा फूड डन है। पेडिग्री से बहुत बेटर ऑप्शन है, बट ये थोड़ा सा आपको शायद एक्सपेंसिव पड़े उससे, जैसे कि ये 200 ग्राम्स का पैकेट है, 225 का, तो आप हिसाब लगा लीजिए। इसको सर्व करने की ऑप्शन एक ये है कि ये पैकेट को आप बॉइलिंग वाटर में रख दीजिए, खाना गर्म हो जाएगा, या फिर आप इसको ओवन में गर्म कर सकते हैं। तो ठीक है, इसकी बात हो गई है, हम नेक्स्ट आपको बात बताते हैं बोन ब्रॉथ। तो ये रहा ब्रोन ब्रॉथ, एक है चिकन फ्लेवर और एक है लैम फ्लेवर। तो बेसिकली ये सूप होता है जो चिकन की बोन से बनता है, जैसे कि बोन्स को कई घंटों तक बॉईल किया जाता है और फिर जो जूसेस निकलते हैं वो आपके डॉग के लिए बहुत अच्छे और हेल्दी रहते हैं। तो ये वही है, इसकी भी वही सेल्फ लाइफ है, एक साल तक आराम से यूज़ करिए, बट एक बार अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं तो फिर इसको रेफ्रिजरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इनको आज अपन कोको को यही देंगे खाने में और ये देंगे, तो चलिए इसको वीडियो को। तो गाइस, पूरा मील अब पैकेट से बाहर आ चुका है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है निकलने के बाद। तो आपको इसमें क्लियरली चिकन और कैरेट्स और राइस भी दिख रहा है। और अब टेस्ट टेस्ट, ये देखो ये देखो ये लो, डेफिनेटली अप्रूव्ड बाय कोको, बहुत अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली इसको आप ट्राई करो। अब इसमें अपन थोड़ा सा ऐड करेंगे बोन ब्रॉथ, एक सेकेंड इसको ओपन कर लूँ पहले मैं। हमारा ओपन हो चुका है चिकन बोन ब्रॉथ 100। इसमें देखिए डाइजेशन बूस्टर फॉर्मूला, डाइजेशन में मदद करेगा ये कोको को। तो अब ये ऐड करेंगे, ये देखिए आप देख सकते हैं। और थोड़ा डॉग फूड भी ऐड करेंगे, क्योंकि आपने जैसा कि दिखाया था मैंने कि 200 ग्राम है और एक फुल ग्रोन लैब्रा को कम से कम 300 ग्राम ऑफ फूड की ज़रूरत रहती है। तो अब इसको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स ये हो चुका है, पानी भी इसमें और डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कोको पानी थोड़ा कम पीती है, तो मैं उसे फूड में अच्छे से पानी देती हूँ ताकि उसकी पानी की कमी पूरी हो जाए। मिक्स कर देंगे और फिर सेकंड अपना एडिशन रहेगा, ये सप्लीमेंट थर्ड एडिशन है कोट का, कोको के शाइनी स्किन एंड कोट के लिए, ये वेटीना का सॉफ्ट कोट, तो इसे भी डाल देंगे। तो अब इसमें बोन ब्रॉथ तो ऐड हो चुका है, पर इसमें अपन थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। भाई ट्राइपॉड है नहीं अपने पास, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है,
ये अपन ने डाला सप्लीमेंट पूरा, इसको फिर से मिक्स कर देंगे। अब बस कोको का समय हो चुका है इसे खाने का, ये देखो कैसे वेट कर रही है। अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसको पूरे में टेस्ट आए चिकन का। इसको टेस्ट करवाते हैं अब। हाँ इसको तो पसंद ही आ रहा है, चिकन तो भाई हर डॉग को पसंद आता है। तो चलिए अब कोको को इसको फीड करते हैं। अब हो गया फैन ऑन, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगी, चला लेना। कोको को लग रही थी गर्मी, तो ये आ गया कोको का फूड उसके फूड स्टेशन में, और ये रही कोको, खा लो। तो अब ये खाएगी, पूरा खा लेगी भाई ये, तो अपना खाती रहेगी। अब आपको बताती हूँ मैं, ये आपको अगर लेना है तो आप ये कहाँ से ले सकते हैं, तो ये गूफी टेल्स की आप वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं, और ये अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन से भी इसे ले सकते हैं। बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है कुछ इस तरीके की, चिकन भी और बोन ब्रॉथ भी। इसके आपको बहुत सारे फ्लेवर मिल जाएंगे, जैसे कि लैम्ब, और जो वेजिटेरियंस हैं तो इसका पनीर एंड राइस भी एक बहुत अच्छा फ्लेवर है, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। और लैम्ब राइस सब मिल जाता है, बहुत अच्छी कंपनी है इस। ये एक बार अपने डॉग को फीड करना ज़रूर ट्राई करिएगा, आपका डॉग में आप इतने अच्छे चेंजेस देखेंगे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो।